डिस्क्लेमर, हम आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट आपको अपनी एनालिसिस के बाद ही करनी है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस आपका अपना होगा और ये मार्केट काफी रिस्की है, तो इसको अच्छे से समझिए और उसके बाद ही अपनी मनी जो है वो इसमें इन्वेस्ट करिए। सबसे पहले जो न्यूज हम कवर कर रहे हैं वो है यहाँ पर हमारे तरफ Coinbase की तरफ से। तो Coinbase, जैसे कि हमने आपको बताया, उन्होंने काफी सारे एक्विजिशन किए, अब उन्होंने अप्लाई किया है अप्रूवल के लिए NFA नेशनल फ्यूचर एसोसिएशन में कि वो भी अब क्रिप्टो के फ्यूचर ट्रेड जो है, जो फ्यूचर ऑप्शंस हैं, उनमें ट्रेडिंग अवेलेबल करवाएंगे अपनी एप्लीकेशन के ऊपर। तो इसके लिए उन्होंने अप्रूवल रिस्क कर दिया है NFA के पास। तो अब NFA से उसको एक बार जब अप्रूवल मिल जाएगा तो उसके बाद Coinbase पर भी फ्यूचर जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे, जैसे कि अवेलेबल है Binance के ऊपर। अगली न्यूज यहाँ पर, एक नया बिटकॉइन का मॉडल जो कि ब्लूमबर्ग की तरफ से बनाया गया है, तो उसके अकॉर्डिंगली कहा यह जा रहा है कि अब BTC जो है वो कभी भी 39,000 से नीचे नहीं जाएगा। अगर ऐसा होता है, और ये जो न्यूज है काफी बुलिश है BTC के लिए भी और क्रिप्टो की मार्केट के लिए भी, तो अगर ये न्यूज सही रहती है कि भाई BTC 39 से नीचे नहीं जाएगा, तो ये काफी एक, मैं ये कहूंगा कि फेवरेबल न्यूज है यहाँ पर क्रिप्टो के लिए। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो एक तो ऑल्टकॉइन में ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी, और ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो बिटकॉइन में ट्रेड करेंगे, क्योंकि ये एक तरीके से बेंचमार्क बन जाएगा कि हाँ इससे नीचे नहीं जाएगा तो आपकी जो वैल्यू रहेगी वो कम से कम इस वैल्यू से नीचे तो नहीं जाएगी। तो ऐसी अगर एक पॉसिबिलिटी दिखती है ट्रेडर्स को, तो वो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट जो है वो अपनी इन्वेस्ट कर सकते हैं क्रिप्टो। अगली न्यूज की बात करें तो यहाँ पर एक और जो इथेरियम के रिगार्डिंग न्यूज आ रही है, ये कि इथेरियम 6,500 तक एट प्रेजेंट बुलिश बिहेवियर रखता है, और उसका रीजन जो है वो ये है कि उसके जो चार्ट्स हैं वो कप एंड हैंडल का जो एक तरीके से जो चार्ट है वो बना रहा है। तो उसकी वजह से कहा यह जा रहा है कि इथेरियम 6,500 का जो आंकड़ा है उसको जल्दी ही क्रॉस कर सकते। अगली न्यूज की बात करें तो सेम हेडरा की हमने एक न्यूज कवर करी थी, तो उसी के रिगार्डिंग एक और न्यूज यहाँ पर, हेडरा की जो गवर्निंग काउंसिल है जिसमें अब IITM भी है, उस गवर्निंग काउंसिल ने अप्रूव किया है $5 बिलियन का फंड HBAR के लिए, जो कि HBAR टोकन्स के मोड में, और ये होगा नेटवर्क को बूस्ट करने के लिए। तो अब यहाँ पर काउंसिल ने कहा है कि वो चाहते हैं कि ये जो पैसा है ये इसका जो काम होगा वो बूस्ट करने के लिए होगा कि हेडरा का जो नेटवर्क अडॉप्शन है डीफाई में उसको एक तरीके से बूस्ट किया जाए, कि ज्यादा से ज्यादा जो बाकी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको बोला जाए कि भाई हमारे नेटवर्क के ऊपर आओ, और उसी के साथ साथ NFT की जो मार्केट है उसको भी वो चाहते हैं कि वो बूस्ट करें अपने प्लेटफॉर्म के साथ। CBDCs, गेमिंग्स और बाकी बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है, इन सभी के लिए उन्होंने ये $5 बिलियन का फंड यहाँ पर इकट्ठा किया है। तो ये एक काफी बड़ी रकम है, और इससे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है उनको फंड किया जा सकता है, और इससे हेडरा का HBAR का जो एक तरीके से नेटवर्क है वो काफी स्ट्रांग होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की न्यूज अपडेट। आपको न्यूज अपडेट कैसी लगी जरूर बताइएगा, और थम्स अप का आइकन भी प्रेस करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें, और बेल नोटिफिकेशन का आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे। तो मिलेंगे हम आपसे अगले न्यूज अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। साल 2009 जनवरी की है बात, क्रिप्टो करेंसी की नई शुरुआत, दुनिया अनजान थी, कितनों को ज्ञानी के बिटकॉइन फेर देगा पूरा।